आर्यन तुम एक जगह बैठो ना, तुम्हें घर भेज देंगे हम, घर भेज देंगे आर्यन को बस। अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ना बांग्लादेश में है न्यू ईयर का दिन बांग्ला कैलेंडर में। तो यहाँ पे ना इलिश फिश जो है ना, पल्ला फिश, वो खाई जाती है। तो वो फ्राई कर रही हूँ मैं सुबह सुबह ही नाश्ते में। ये माँ ने पतला पतला काट के दिया था, इसमें बस लहसुन लगाया, लहसुन नहीं, इसमें क्या लगाया, हल्दी और नमक का, दैट्स इट। तो इसको ना अच्छे खासे तेल में फ्राई करना है पतले पतले, फिर इसके कांटे जो है ना वो भी क्रिस्पी हो जाते हैं, तो आप वो भी खा सकते हो। तो सुबह सुबह का हमारा नाश्ता जो है वो होने वाला है फिश, फिर दिन के टाइम भी हम लोग खाने वाले हैं फिश। तो आज के दिन फिशी चलेगा पूरा दिन, और इसको मैं पूरा क्रिस्पी मज़ेदार कर दूंगी। और इसी के अलावा जो है ना, अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, तो आप लोगों से मैं मिलूँगी तैयार होके। और थोड़ा सा हम लोग आज बाहर भी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो चलो लेट्स गो, एक साथ ही जाएंगे। और ये फिश देखो कितनी मज़ेदार हो गई है। इलिश फिश ऐसी है कि मतलब आप ना बार बार नहीं खा सकते, उसमें बहुत कांटे होते हैं। तो स्पेशल ओकेजन्स में हम लोग ना इलिश फिश खाते हैं। कुछ लोग होंगे जो कि बहुत ही डेली खाना पसंद करते होंगे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी डेली खाना पसंद नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कांटे होते हैं। लेकिन ये सारी फिशेस की ना मास्टर फिश है, इतनी टेस्टी फिश होती है ना। मेरी अम्मी को ये फिश बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। आर्यन बेबी जो है ना, उसको मैं घर रख के जा रही हूँ अभी। मैं और इमो निकल गए हैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, और लेकिन धूप भी है, काफ़ी गर्म भी था। लेकिन पानी के साइड जब आते हैं ना, तो बस इतनी खुशी होती है, एक सुकून मिलता है, पीस मिलता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज ना बोटिंग की जाए, बेबी नहीं है ना साथ में, नहीं तो फिर डेंजरस हो जाता है, बच्चे को लेके हम लोग ऐसे कैसे निकलें। तो हम लोग बोटिंग भी चले गए थे, और पीछे मेट्रो रेल भी जा रही थी, आ रही थी, और कुछ लोग भी आए हुए थे। ये वाली लेक जो है ना, ये काफ़ी बड़ी है, तो इधर ना बहुत सारे और भी डिफरेंट स्पॉट्स हैं घूमने के। तो तुम बोल सकते हो कि ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन दिखे, ओ माय गॉड, देख के इतना अच्छा लगा कि यार चलो कुछ लेते हैं घर के लिए, कुछ तो थोड़ा सा लेके जाएँ, एक तो लेके जाएँ, एक नहीं दो तो लेके जाएँ। तो ये एस्थेटिक से कप्स वगैरह, मग वगैरह लग रहे थे मुझे, तो मुझे बस ये डर था कि ये यूज़ करते करते पेंट निकल ना जाए। तो चलो मैंने कुछ सामान ले लिए हैं, वो आपको घर जाके दिखाऊंगी, लेट्स गो। तो आज हम लोग आ चुके हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में। क्या करने आए हो लड़के, वो छोटे आर्यन? पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में हम क्या करने आए हैं बोलो? क्या खाने आए हो? कबाब। क्या खाने आए हो बोलो? कबाब। बोलो कबाब। कप कप बोल रहे हैं, कप कप। आर्यन देखो मम्मा अच्छा लग रहा है, आर्यन के सामने मच्छर। और आर्यन जो है ना टेबल पे, इवन 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 पकड़ी। आर्यन जो है ना वो टेबल पे चढ़ चुका है, उसको नीचे बिठाया था, फिर नीचे से ऊपर आ गया, अभी इधर से उतर ही नहीं रहा। तो अभी जो है ना अनियन बोल रहा है, खुद को देख रहा है बैठ के फोटो, और बड़ा तंग कर रहा है ये बच्चा। इवन बड़ा तंग करते हैं बच्चे यार, देखो एक बार नीचे फेंको पागल मोबाइल, नीचे फ्लोर पे। तो इसलिए कबाब ऑर्डर कर दिया। इमोन को ग्रेन मसाला खाने का बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन ग्रेन मसाला है नहीं, बोला ईद का टाइम है ना, तो ईद की बात ना अभी इतनी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, ग्रेन मसाला नहीं है। इमोन बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और ये देखो आर्यन, तुम एक जगह बैठो ना, तुम्हें घर भेज देंगे हम, घर भेज देंगे आर्यन को बस। तो गाइस ये आ गए हमारे कबाब, काफी टेस्टी लग रहे हैं। ये आ गए हमारे नान, ये आ गया हमारा, इमोन ने ये मंगाया है, और आर्यन को चेयर में बिठा दिया है। आर्यन हेलो, खावा? आर्यन को एक नान दे दूँ, थोड़ा सा चुप करके बैठ जाएगा, गरम है, गरम, बहुत गरम है, पकड़ो खाओ नान खाओ। चलो इमोन शुरू करो। कबाब काफ़ी टेस्टी है। तुम्हारा रोल कैसा है? वो मुझे आधा देना, आधा रोल मेरा, दो कबाब तुम्हारे। सब कुछ खत्म हो गया, आखिरी बचा है ये वाला मेरा कबाब। अभी हम लोग बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि इधर कार्ड नहीं चलता, और इमोन देखो जो मनी में भी पैसे थे वो निकाल के बैठा हुआ है, उस सर पे हाथ रख के कि अभी क्या करेंगे। क्या करोगे इमोन? अभी जाके एटीएम से निकाल के आना। बिकाश चल सकता है, बिकाश तो हर जगह चलता है बांग्लादेश में। यार चिल्लर विलर मिला के इमो ने सारे पैसे जो है वो दे दिए अभी, और अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्विस वाले के वो दो टिप्स दो, कहाँ से टिप्स दे? इमो बोल रहे मुझे टिप्स तो रिक्शा वाला दे। यार अभी घर तो जाना है, रिक्शा का पैसा है तुम्हारे पास? यार आर्यन बर्तन धो के जाने पड़ेंगे,
ये देखो कितना मिला। तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और ये देखो मैं इतनी सारी चीजें लेके आई हूँ, ये सब कुछ क्या है यार। चलो आपको एक एक चीज दिखाती हूँ। बांग्लादेशी फोक आर्ट है ना, वो किया हुआ है इधर। और फिर क्या है कि ये सारे सेरामिक की चीजें हैं, और जो ये सेल कर रहा था वो एक टेक्सटाइल डिजाइन का स्टूडेंट था। टेक्सटाइल इंजीनियर था। तो अभी जो है ना इतना अच्छा लग रहा था कि स्टूडेंट ये चीजें सेल कर रहा है, तो हम बाहर गए थे ना, तो मैं ये सारी चीजें लेके आई। कुछ इमोन ने पसंद की, कुछ मैंने पसंद की। लेकिन आर्यन को ना मेंढक बहुत पसंद है, फ्रॉक करता रहता है, तो उसके लिए ये लेके आई हूँ। कितना क्यूट है, क्यूटी है, काफी अच्छी लगी। तो ये वाली भी लेके आए हैं। ये सारे हम ना हमारे रूम में या कहीं पे भी डेकोरेट कर सकते हैं, और आप लोग भी ट्राई करना कभी घर पे। ये वाली चीजें काफी अच्छी लगती है, मट्टी। और ये इमोन ने पसंद किया टाइगर। ये देखो ये भी काफी खूबसूरत है इमोन। आज इमोन का बड़ा दिल था शॉपिंग होगा, कैंडल रख सकते हैं। मेरा असल में मेरा मकसद तो क्या, दिखाओ मैं कैसे दिखाऊं। वन पीस लग रहा है ना देखने में। ये कैंडल देखो, ये नहीं, इसकी कैंडल ये खुलेगा नहीं। तो गाइस इसके लिए कोई कैंडल जो है वो जुगाड़ी करनी पड़ेगी, इसके लिए कैंडल नहीं है हमारे पास। लेकिन ये वाला कुछ इस वन पीस कलर के इमोन ने एक शॉप पीस। और मैंने मेरे रूम के लिए, इस रूम के लिए ये लिया है, ऐसे हैंग करते हैं और यहाँ पे ना प्लांट्स लगा सकते हो। और देखो क्या खूबसूरत है कि नहीं, कमेंट्स बताना आपको कौन सा पसंद आया सबसे ज्यादा। ये भी हैंगिंग, ये भी मैंने पसंद किया, वो वाली भी मैंने पसंद किया। इस रूम के लिए एनिमल सारे मैंने पसंद किया, वो मैं अभी ही लगा दूंगी। एनिमल्स इन्होंने पसंद किए, और इसमें भी आप प्लांट लगा सकते हो। मुझे पसंद आया बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें देखो कितनी प्यारी प्यारी डिजाइन है, कलर काफी अच्छा है। और अगर आप कोई भी खाना बनाओ इमोन, इसमें कोई भी खाना बनाओ ना, कीमा बनाओ। आज कीमा बनाए, चलो आज कीमा बनाती हूँ स्पेशली इसके लिए, इस बर्तन के लिए, इस बर्तन में रखेंगे। तो ये वाले जो है ना, मतलब कभी भी मेहमान आए घर में, ऐसे तो हमें दो तीन और लेने चाहिए, मिल जाएगा और भी। दो तीन और चाहिए ना, मट्टी की खुशबू सूंघे जा रहा है। हाँ मट्टी प्लस कलर किया है ना जो उसका, एक बार धोके देखी 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 मट्टी प्लस कलर का खुशबू। तो ये वाला ना आज कीमे का सालन बनाएंगे, क्योंकि इसका ये लेके आए ना ये जो बाउल, तो इसकी में डालेंगे। अभी जो है ना मैं रूम में ये दो आर्टवर्क्स ना हटा के फिर इधर के लिए लेके आई हूँ दो आर्टवर्क नए वाले। तो इसको फिलहाल साइड में रखो, ये हमें गिफ्ट मिला था और ये काफी अच्छा था, ये फिर से लगाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल कौन सा लगाओगे जो मैं दो लेके आई हूँ? हाँ ये पंछी बर्डी बर्डी, गिरेगा तो फिर गया, अगर गिरेगा फिर दुकान में तो टंगा हुआ था यार, फिर गिरना तो नहीं चाहिए। देखो देखी अरे वाह यार, वाकई में काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है दीवार से ही कुछ निकल के आ गया है। चलो ये वाला तो कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। और अभी ये वाला लगाओगे इधर ना, हमें सेम दो चाहिए थे लेकिन दो सेम नहीं मिले। तो दीज आर बोथ डिफरेंट आर्टवर्क्स बट स्टिल लुकिंग गुड। बताना मेरे रूम की न्यू डेकोर्स जो है ना वो कैसी लगी। रूम में जस्ट एक थोड़ी सी चेंजिंग की है और देखो कैसी लग रही है, बहुत ही मुझे तो अच्छा लग रहा है। कुछ सेरामिक आर्ट वर्क, मैं और इमोन आर्ट के स्टूडेंट है, तो हमारे ना ये आर्ट से कनेक्टेड, दिल से कनेक्टेड है ये चीजें। फिलहाल ये आर्टवर्क इधर रख दिया है, और ये तो दिखाना ही भूल गई हूँ, ये वाला तो मुझे मग काफी पसंद आया था। देखा मैगी मम्मा का न्यू मग देखो कितना प्यारा है, खूबसूरत। तो गाइज अभी मैंने ना कीमे का सालन जो है ना वो बना लिया है। अम्मी से रेसिपी पूछी थी एक दो दिन आगे, क्योंकि अम्मी खा रही थी ना, तो मैंने कहा अम्मी मुझे भी रेसिपी बताएं, मैं भी बनाऊँ। तो अम्मी ने रेसिपी बताई और मैंने बना लिया। अभी जो है ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है, इसलिए बात नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद रोटी छोटी से खाएंगे, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। और इसको ना अभी हम डालेंगे उस वाले बर्तन में, ठीक है। तो ये रहा हमारा सालन कीमे का, और जो है ना बर्तन को पानी में भिगो दिया है, क्योंकि मैं इसमें डालूंगी। ये बर्तन लेके आई हूँ इसके लिए, बड़ा दिल कर रहा था कि कीमे का सालन डाल के देखूँ। यहाँ पे इमोन जो है ना मेरी हेल्प कर रहा है रोटियाँ बनाने में, और आटा जो है मैंने गूंद लिया, और ये आस्ते आस्ते। और ये जो है ना गाइज, ये है ब्राउन आटा विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी, हमारे घर पे आता है ये वाला आटा, तो ये वाले आटे की रोटियां बनाएंगे। तो गाइज मैंने इस नए से कप में ना इमोन के लिए पानी भरा है। इमोन पानी पियो। नहीं पीऊंगा, मैं धोया हूं इसको। हाँ साबुन से धोया है, मैं पिला रही हूँ ना। नहीं यार, मट्टी की खुशबू आ रही थी। कौन सा तुम इतनी एक्टिंग तो नहीं करनी चाहिए ना तुम्हें, तुम थोड़ा टेस्ट तो करो। हाँ, नहीं मट्टी का नहीं आ रहा तुम्हें मट्टी।
एक दो दिन पहले ना अम्मी ने बोला कि उन्होंने ना कीमे का सालन बनाया है आलू वाला, तो फिर क्या हुआ कि मेरा बड़ा दिल किया, मैंने कहा अम्मी मुझे भी रेसिपी दी, मैं भी बनाऊं। तो आज ये मैं जब पोट लेके आई हूँ ना तो सेरामिक का, तो मुझे ना बड़ा दिल कर रहा था कि इस बाउल में मैं डालूं कुछ ऐसा पका के जो खाने में भी मज़ा आ जाए, देखने में भी मज़ा आ जाए। तो कीमे का सालन जो है ना इतना मज़े का लग रहा था, मतलब अगर आप डिश आउट करो कुछ अच्छे से खूबसूरत तरीके से तो खाना भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये वाला खाना जो है ना सबको बहुत अच्छा लगा, रोटियों के साथ खाया हमने। और इसी के साथ ही आज का छोटा सा व्लॉग है ये भी एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और मिट्टी के बर्तन आप लोग भी खरीद के कभी ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी पीना बहुत पसंद करती हूँ। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던